मध्य प्रदेश में वैसे तो जून से ही बारिश हो रही है, लेकिन प्रदेश को ठंडक नहीं मिल पा रही है। उमस और गर्मी के कारण मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब 3 से 4 दिन तक लगातार जोरदार बारिश होगी, जिससे प्रदेश में ठंडक का माहौल बनेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम मेहरबान है। बंगाल की खाड़ी की नमी के कारण मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में हैवी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। क्या आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक रेनफॉल जो है भिकनगांव में, खरगोन जिले में जो भिकनगा है वहां पे हुआ है 109 मिलीमीटर। उसके साथ ही अनेक जगहों पे जो है अच्छी वर्षा हुई है और हैवी रेनफॉल है, जो वेस्ट एमपी में जो है 4 जगहों पे, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा हैवी रेनफॉल हुआ है, तथा ईस्ट एमपी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल छिंदवाड़ा में 62.1 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि सिस्टम्स जो मानसून ट्रफ जो है वो पास हो रहा है जैसलमेर से होते हुए, गुना सागर से होते हुए पुरी की तरफ और बाद में फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। तो इसके चलते जो है मध्य प्रदेश में और खास करके साउथ वेस्ट और साउथ मध्य प्रदेश में जो है अच्छी वर्षा देखी जा सकती है आने वाले 24 घंटे में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।